आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विशाल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शाहबाद मारकंडा में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस विशाल रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए युवा भाजपा मोर्चा की पूरी टीम को बधाइयां दी। इस विशाल रक्तदान शिविर में सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन किया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य करण प्रताप बेदी ने रक्तदान करने पहुंचे सभी युवाओं का आभार प्रकट किया और कहा कि रक्तदान महादान है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, रक्त की पूर्ति केवल रक्तदान के माध्यम से ही की जा सकती है। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि हर 3 माह बाद रक्तदान करें। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और युवा मोर्चा की पूरी टीम को इस सफल और भव्य आयोजन की बधाइयां दी। भाजपा युवा मोर्चा में जैसे करण प्रताप सिंह जी हैं और मेंबर हैं, ये बहुत ही इस प्रकार के इंस्पायरिंग कार्यक्रम हर बार करते रहते हैं। ये एक पॉलिटिकल होने की बजाय सबसे ज़्यादा सोशल है और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। और कृष्ण बेदी जी का भी आपको पता ही है कि इन्होंने भी आके आशीर्वाद दिया, मैंने भी आके बच्चों को आशीर्वाद दिया जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। मैं पूरे राष्ट्र की जनता को, भारतवर्ष की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तहे दिल से हार्दिक बधाई पेश करती हूँ कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने विकास के मामले में और आत्मसम्मान के मामले में हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा किया है विश्व के मानचित्र पर, ऐसा कद्दावर नेता जिसका दुनिया आज लोहा मानती है, जिसने अपने राष्ट्र के नेतृत्व को 4 चांद लगाए पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में, मैं उनके जन्मदिवस पर पूरी जनता को तहे दिल से हार्दिक बधाई देती हूं। और हमारी पूरी युवा मोर्चा की टीम आज इस कार्यक्रम का आयोजन का हिस्सा बनी है और इस कार्यक्रम में माननीय बेदी जी आए हैं, माननीय कैलाश सैनी पूर्व सांसद जी भी हमारे बीच में थी वो रही हैं, और मैं युवा मोर्चा की इस पूरी टीम का आभारी हूँ कि इन्होंने एक कॉल पे, एक मैसेज पे इन्होंने यहाँ पे आकर के अपना यूनिट ब्लड जो है डोनेट करने का इन्होंने प्रण लिया। और माननीय मोदी जी के इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे 15 दिन का भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। और ये 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शाहबाद की टीम ने 73 यूनिट ब्लड का आज टारगेट लिया है, जो अभी हमने 40-42 यूनिट अब तक हो चुका है और शाम तक हम उसको 73 यूनिट को पार कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि मौसम इतना खराब है और उसके बावजूद कितना ही भीड़ यहाँ पे युवा साथियों की है, आप ये जो उनका जोश है देखने लायक जी। देखिए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और जन जन की आवाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार का आज जन्मदिवस है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा मनाने की योजना बनाई है। जैसे आज 17 तारीख को पूरे देश के अंदर भारतीय जनता या युवा मोर्चा की टीम रक्तदान शिविर हर विधानसभा क्षेत्र में लगा रहे हैं और इसके बाद अभी हमने प्रत्येक गांव से, शहीदों के गांव से हमने मिट्टी एकत्रीकरण किया था, परंतु अब नई योजना के तहत पर्यावरण के लिए पर्यावरण जागरूक करने के लिए हम हर गांव की मिट्टी लेकर आएंगे। उसके बाद प्रत्येक बूथ पर हम आई चेकअप कैंप और मेडिकल कैंप 24-25 तारीख को वो लगाएंगे, इसमें चश्मा वितरण भी करेंगे और बुजुर्गों के चेकअप की जो दवाई का भी व्यवस्था हम भारतीय जनता पार्टी की टीम करेगी। तो 2 तारीख तक हमारा ये सेवा पखवाड़ा चलेगा पूरा 15 दिन का, और विभिन्न प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी हमारे मोर्चे, इसमें अनुसूचित जाति मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, उसके साथ साथ ओबीसी मोर्चा, ये विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। और आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है
कि भगवान विश्वकर्मा जी के नाम पर एक गरीबों को उत्थान के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री आज एक योजना लागू कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, ताकि देश की उन्नति और तरक्की के अंदर जो हमारे स्थानीय संसाधन है उनको हम ज्यादा ज्यादा उपयोग किया जा सके। आज नरेंद्र मोदी जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की शाहबाद की टीम ने, जिसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी राहुल गुलिया जी जो हमारे जिला के सचिव हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की, इनकी टीम और युवा मोर्चा के सभी तीनों मंडलों के अध्यक्ष, इनके पदाधिकारी और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई कर्ण प्रताप सिंह जी के मेहनत से आज हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया है। लायंस क्लब शाहबाद मारकंडा का हमारा ब्लड बैंक यहाँ पर है और ये हर बार डॉक्टर भास्कर गुप्ता जी हमें सहयोग करते हैं, इनकी टीम हमें सहयोग करती है। आज ये हमारे सौभाग्य है कि सभी युवाओं को हौसला बढ़ाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हमारी पूर्व सांसद, हमारी बड़ी बहन तलासो सैनी जी, हमारे मंडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भाई दंपत राय अग्रवाल जी भी, और बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मुल्खराज गुंबर जी, उसके साथ साथ सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेवा के काम में इसी प्रकार से ये टीम लगी रहे और लोगों की समस्याओं को कम करने का काम करें। सेवा पखवाड़ा हमने शुरू किया है मोदी जी का जन्मदिवस पर। मेरे को राजनीतिक बात तो मैं करना चाहता नहीं, परंतु आज स्थिति क्या है पूरे देश के अंदर, कोई मोदी जी के मुकाबले का नेता इनके पास किसी के पास है नहीं, अकेले लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं, लोग मतदाता इनको मूल गाने के लिए तैयार नहीं। आज उस भय के अंदर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे लड़े अकेले लड़े होगा तो वही जो इस देश का मजबूत मतदाता, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भारत माता की उन्नति और तरक्की के लिए, देश को परम वैभव तक पहुंचाने का समर्थ है केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी में है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम तीसरी बार देश में सरकार बनाएंगे। और आज ये इंडिया गठबंधन है, चाहे इसमें लोकदल शामिल हो, चाहे आम आदमी पार्टी शामिल हो, चाहे कांग्रेस शामिल हो, कोई और शामिल हो, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है और नकारे हुए लोग सिर्फ हताशा में एक स्थान ढूंढ रहे हैं और जिसमें उनको स्थान मिलना संभव नहीं है। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे भूपेंद्र हुड्डा कहता है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सीट क्यों दे, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस को 10 की 10 सीटें आ रही हुई है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। अब रही बात अभय सिंह चौटाला भी कह रहा मैं शामिल हो जाऊंगा, अब सारी उम्र ताऊ देवीलाल जी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी, मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ी, आज उनकी नीति और नीयत से लोग उनसे दूर हो गए हैं। तो आज देवीलाल जी का मतदाता था, जो देवीलाल जी का वोटर था, वो भी आज मोदी जी के साथ है, मोदी जी की पक्ष में खड़ा है। तो इसलिए अब ज्यादा मैं क्या कहूँ, चुनाव आएगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा।